फ्रेंड्स वेलकम टू अवर टुडे स्टडी. टुडे आई विल डू द एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 ऑफ मैथ साइंस एंड एनिकल लर्निंग बुक एट्स रिवाइज एडिशन. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. सो फिफ्थ क्वेश्चन में पी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस वन. सो ये है. सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा. सो ग्रुपिंग कैसे करूँगा, सबसे पहले इन दोनों को अलग ग्रुप कर दूंगा, इन दोनों को अलग ग्रुप कर दूंगा. सो हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके ऊपर ये दोनों ही आते हों. सो वो है पी क्यू, एंड पी क्यू के ऊपर ये तो आर के ऊपर आ जाएगा, एंड ये वन के ऊपर आ जाएगा. एंड दूसरी साइड में हम ले लेंगे माइनस. अब देखो वन वन ऐसा नंबर है जिनके ऊपर ये दोनों आ जाते हैं. वन यहाँ पर वन आएगा, वन पहला तो आर के ऊपर आएगा, एंड दूसरा आएगा जो कि होगा वो हमारा आ जाएगा वन के ऊपर. सो अब देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने आर माइनस वन तो अब हमने लिख देना है. जो पी क्यू था उसको आर के साथ कनेक्ट करके हमने, मतलब कि बिना कनेक्ट करे ही लिख सकते हैं हम आर माइनस वन मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस वन. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है. सो बी पार्ट में हमने क्या करना है, हमने इनको ग्रुपिंग्स कर उसके बाद इनके मतलब कि वो फैक्टर फाइंड करने, जैसे कि 2a की पावर 2 5ab. सो अब इसका क्या हो सकता है, इस इनका हो सकता है a. सो पहला जाएगा 2a के ऊपर, एंड दूसरा जाएगा 5ab के ऊपर, सॉरी 5b अकेले के ऊपर. एंड उसमें हमने प्लस कर देना है 3b. अब देखो इन दोनों के ऊपर 3b चला जाएगा, 3b जो कितने के ऊपर आएगा, पहला 2a एंड दूसरा 5b के ऊपर. अब देखो अब हमने इतना फाइंड कर लिया. सो अब हम क्या लिख देंगे, 2a प्लस 5b, एंड इसको ब्रैकेट में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस 3b के साथ. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है. सो सी पार्ट में भी हमने ग्रुपिंग करनी है. सो हम इसको किसके साथ कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो कि इनको एक अलग तरीके से करना है, जो कि ये तो अब हमारा क्वेश्चन नहीं है. ओके सो हमने इसको उल्टा कर देना है, जो कि हम 84 माइनस 84 एक्स इधर लेकर आ सकते हैं, 49 उधर लेकर आ सकते हैं. सो अब देखो अब 9x की पावर 2 हो जाएगी माइनस 42x हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा. वो क्यों, क्योंकि जो हमारा इन दोनों थे, ये दोनों थे, इन दोनों को हमने कर दिया था माइनस. सो हमारा आ गया माइनस 42x, एंड माइनस 42x आने के बाद अब हमने क्या किया, अब हमने जो कि 9x माइनस की पावर 2 माइनस 21x कर दिया एक ब्रैकेट में, एंड जो कि दूसरा था वो था 21x माइन प्लस 49 कर दिया एक ब्रैकेट में. सो हमारा आंसर आ चुका था 3x, जो कि 3x माइनस 7 ऐसे आ जाएगा, एंड जो कि दूसरी साइड में फैक्टर होगा वो 7 के ऊपर आ जाएगा 3x के ऊपर, एंड माइनस 7 मल्टीप्लस 7 49 आ जाएगा. सो मतलब कि हमारा आंसर आएगा 3x माइनस 7 मल्टीप्लाई 3x माइनस 7. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारे डी पार्ट है. सो डी पार्ट में भी हम इस इनको सबसे पहले ब्रैकेट्स में कर लेंगे, x क्यू ओवर 2 प्लस एक्स वाई, इसको एक ब्रैकेट में, एंड दूसरी साइड में 8x प्लस 8y, इसको एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस वाला साइन हम डाल देंगे. सो अब देखो पहला जो है हमारा नंबर वो है x के ऊपर आ जाएगा, x के ऊपर ही आएगा पहला नंबर तो, एंड दूसरा नंबर y के ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा उसके साथ, एंड प्लस अब हमने कर देना है दूसरा नंबर 8 के ऊपर जाएगा एक्स, यहाँ एक्स प्लस वाई. सो मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस 8. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा ई पार्ट है. सो ई पार्ट में भी हमने इनको ब्रैकेट में कर सकते हैं, एंड हम वेट सबसे पहले हम इन सभी को चेंज कर देंगे. देखो अब जो 15p क्यू है वो तो उसी जगह पर रहेगा, बट जो अब 15 है 15 की जगह पर 25p आ जाएगा, एंड दूसरी साइड में हमारा 9q के साथ आ जाएगा 15, वो हमने ले लिया,
सो अब देखो पहले नंबर 5 पी के ऊपर चले जाते होते हैं, सो जो कि पहला जाएगा 3 क्यू के ऊपर, दूसरा जाएगा 5 के ऊपर, ओके। एंड अब उसको प्लस कर देंगे हम, ये वाले जाएंगे 3 के ऊपर पहले बात तो 3 क्यू। अब देखो वो क्यों नहीं जा, वो जा नहीं सकते थे एक ही नंबर के ऊपर, सो हमने वैसे किया। सो अब देखो 3 क्यू जो कि ये पहला नंबर है वो 3 क्यू है, एंड 3 क्यू में दूसरा नंबर है 5 के ऊपर आ जाता है, 15 आ जाता है 5 के ऊपर। सो अब देखो आखिर में हमारा आंसर कितना आएगा, 3 क्यू प्लस 5 एंड 5 पी प्लस 3। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 6th क्वेश्चन है, सो 6th क्वेश्चन में हमने इनको फैक्टराइज करना है सुटेबल आइडेंटिटीज के यूज कर। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बना देंगे 2p की पावर 2 माइनस 3q की पावर 2, ये दोनों अलग अलग लिख देंगे हम। सो अब देखो आगे हमने क्या करना है, ये कितना हो जाता होता है 2p प्लस 3q, ओके मल्टीप्लाई 2p माइनस 3q, सो ये है हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा वी पार्ट है, सो वी पार्ट में 16m की पावर 5 माइनस 144m की पावर 3 है। सो इस वाले में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि हम पहले भी हम करते थे 16, ये किस टेबल के ऊपर आ सकते हैं 16m की पावर 3 के ऊपर। सो वो कैसे, जो कि पहला नंबर होगा वो किसके ऊपर चलाएगा, वो चलाएगा m की पावर 2 के ऊपर, क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो जाता है। एंड दूसरा जो नंबर है वो चलाएगा 9 के ऊपर, क्योंकि m की पावर 3 तो उधर भी है, बस 16 को मल्टीप्लाई करना है 144 बनाना है, सो हमने वो बना दिया। एंड अब देखो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एम की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16 एम की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 एम माइनस 3 मल्टीप्लाई एम प्लस 4। ओके सर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सर फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है, ए की पावर 4 माइनस 81 है। देखो अब हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 है जो उस वो बन जाएगा ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। सो अब देखो माइनस 9 की पावर 2 हो जाएगा ये हमारा 81। सो अब देखो आगे हम इसको क्या करेंगे, आगे हम लिख देंगे ए की पावर 2 प्लस 9, ओके एंड ए की पावर 2 माइनस 9, जो कि हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 9 एंड वो तो ऐसे ही रहेगा, एंड दूसरे साइड में ए की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा। सब देखो आगे अब हम क्या करेंगे, ए की पावर 2 तो वही रहेगा ए की पावर 2 प्लस 9 एंड ए प्लस 3 हो जाएगा, ये जो हमारा ये है ए, एक तो ए प्लस 3 हो जाएगा एंड एक हो जाएगा ए माइनस 3। ओके सो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारे डी पार्ट है, सो डी पार्ट में ये हमारा जो कि एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं, हमने इनको फैक्टराइज कर देते हैं। सो हम कर देंगे मतलब कि जो हमारा सिंपल मेथड होता है उससे, सो जैसे कि ए बी इन दोनों के ऊपर चलाएगा, जो कि पहला होगा नंबर हो जाएगा 25 ए के ऊपर ए के पावर 2 एंड दूसरा जो होगा हमारा नंबर हो जाएगा 36 बी के पावर 2 के ऊपर। अब देखो इसके बाद ए बी तो वहीं पर ही रहेगा एंड ये दोनों क्या बन जाएगा 5 ए के पावर 2 माइनस 6 बी के पावर 2। तो उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे कि इन सब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, ए बी मल्टीप्लाई 5 ए माइनस 6 बी, बी ऐसे लिख देता हूँ मैं जहाँ पर भी बी लिखना है हमने, ये भी बी है ये भी बी है, क्योंकि 6 और बी में कन्फ्यूजन हो जाती है। एंड अब दूसरी साइड में 5 ए प्लस 6 बी। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 7th क्वेश्चन है, सो 7th क्वेश्चन का ए पार्ट ये है, एक्स क्यू ओवर 2 माइनस 6x प्लस 9। अब देखो अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि अब एक्स क्यू ओवर 2 है, सो अब हम उसको लिख देंगे एक्स क्यू ओवर 2, सबसे पहले तो हम लिखेंगे माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, सो ऐसे हम लिख देंगे। सो पहले जो नंबर हैं वो आ जाते हैं एक्स के ऊपर, एक्स आ जाता है माइनस 3 आ जाता है, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। और उसके बाद अब देखो दूसरी साइड पे है जो हमारे वो है 3 के ऊपर, ये दोनों आ जाते हैं 3 पहला एक्स के ऊपर आ जाता है एंड दूसरा आ जाता है हमारा 3 के ऊपर ही,
सो अब देखो, अब हमारा आखिर में आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में पी की पावर टू माइनस एटीन पी प्लस एट्टी वन है। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम इन लिख देंगे पी की पावर टू माइनस नाइन पी लिख देंगे पहले, तो माइनस नाइन पी, मतलब कि इसको टू के साथ ही हमने डिवाइड कर दिया एटीन पी को। सो उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख देंगे नाइन पी, एंड आखिर में हम यहाँ पर प्लस एट्टी वन लिखेंगे। सो अब देखो, अब हमने हम अब हमें क्या करना पड़ेगा। सो अब हमें जो कि है हमारा नंबर वो होगा पी के ऊपर, पहला नंबर तो आ जाएगा पी के ऊपर, दूसरा आ जाएगा नाइन के ऊपर, माइनस दूसरा जो है हमारे दूसरी साइड वाले हैं वो पहले आएगा नाइन के ऊपर, पहला तो आ जाएगा पी के ऊपर, दूसरा आ जाएगा नाइन के ऊपर। सो अब देखो ये है हमारा, उसके बाद अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम अब हम इसको लिखेंगे पी माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस नाइन। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में एम की पावर फोर प्लस टू एम की पावर टू एन की पावर टू प्लस एन की पावर फोर है। सो मैंने सबसे पहले उसको ऐसे लिख दिया एम की पावर टू ओके टू मल्टीप्लाई एम की पावर टू एन की पावर टू प्लस एन की पावर टू की पावर टू। सो ऐसे मैंने उसको लिख दिया। अब हम इसको ले लेंगे ए एंड इसको ले लेंगे बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम ए एंड इसको ले लेंगे बी, ए माइनस बी। सो ऐसे हो जाएगा। अब देखो मतलब कि हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एम की पावर टू प्लस एन की पावर टू। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारे डी पार्ट है। सो डी पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की पावर सिक्स तो हमने लिख ही देना है, एंड उसके साथ में हम जो कि एट ए की पावर थ्री थी उसको हम मतलब कि टू के साथ डिवाइड कर यहाँ पर आ जाएगा फोर ए की पावर थ्री प्लस फोर ए की पावर थ्री। सो उसको अब हम प्लस कर देंगे सिक्सटीन के साथ, ए की पावर थ्री आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि उसको भी हमने डिवाइड कर दिया दो के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा जो कि पहला नंबर होगा वो ए के ऊपर चला जाता है। सो अब जो दूसरा नंबर है वो हमारा चला जाता है हमारे फोर के ऊपर, एंड उसके बाद अब देखो जो हमारा इधरली साइड वाले हैं इधरली साइड फोर वाले फोर के ऊपर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि फोर के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक पावर थ्री के ऊपर चला जाएगा वो, उसके बाद फोर के ऊपर चला जाएगा। अब देखो अब हमारा आंसर आखिर में कितना आएगा, ए की पावर थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर थ्री प्लस फोर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा एट्थ क्वेश्चन है। सो एट्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने क्या कर रहे हैं, हमने फैक्टराइज कर रहे हैं इनको मिडल टर्म स्प्लिट कर। सो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे ए की पावर टू एंड जो मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगा प्लस फोर ए हो जाएगा एंड दूसरी साइड पे टू ए हो जाएगा, प्लस हम कर देंगे इसको एट के साथ। अब देखो वो कितना बन जाएगा, ए के ऊपर आ जाते हैं पहले पार्ट वाले वो है ए प्लस फोर प्लस दूसरे वाले टू के ऊपर आ जाते हैं ए प्लस फोर के ऊपर, मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ए की पावर फोर ए प्लस फोर एंड मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस टू। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, बी पार्ट में हम स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। सबसे पहले एम की पावर टू तो हम लिखेंगे एंड साथ में सेवन एम प्लस थ्री एम ऐसे लिख देंगे, एंड उसके बाद अब हम लिख देंगे 21 यहाँ पर जो कि पहले से ही था। सब आगे हम क्या करेंगे, एम को मल्टीप्लाई कर देंगे एम माइनस सेवन यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, दूसरी साइड में थ्री एम माइनस सेवन लिख देंगे। सब देखो हमारा आंसर कितना आएगा, एम माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस थ्री। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में ये बी की पावर टू प्लस एटीन बी प्लस सिक्सटी फाइव, सो ये ऐसे है। सो हमने मिडल टर्म को कर देना है स्प्लिट। सो वो कैसे करेंगे, थर्टीन बी प्लस फाइव बी यहाँ पर आ जाएगा, एंड बी की पावर टू तो यहाँ पर है ही एंड दूसरी साइड में सिक्सटी फाइव है। सो ये कितना बन जाएगा, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ सबसे पहले, उसके बाद हम उसको कर देंगे थर्टीन के साथ प्लस हम फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी एंड उसके ये बी है एंड ये भी बी है। सो अब देखो उसको हम किसके साथ करेंगे, बी के साथ प्लस हम कर देंगे थर्टीन। सो अब देखो अब हमारा जो आखिर में आंसर आएगा वो होगा बी प्लस थर्टीन एंड बी प्लस फाइव। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अभी हमारे डी पार्ट है। सो डी पार्ट में हम क्या करेंगे,
इसको अब देखो हम प्लस माइनस वाले सेपरेट तो नहीं कर सकते क्योंकि अलग इससे नीचे वाले होंगे। अब इसको हम बड़े वाला सेपरेट कर देंगे, वो कैसे करेंगे, पी की पावर 2 तो इधर आएगा, माइनस हम कर देंगे इसको 16 बी के साथ, माइनस कर देंगे 2 पी के साथ, माइनस 32। अब देखो अब जो पहला है वो आ जाएगा पी के ऊपर एंड साथ में, जो कि ये पी है एक। सो अब देखो दूसरे जो कि अब यहाँ पर है ये, सो अब हम क्या करेंगे कि पी माइनस 16 हो जाएगा क्योंकि पी 16 ही आएगा, 16 पी आ जाएगा। सो अब देखो माइनस उसको कर देंगे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस 16 को एंड हमारा आंसर आखिर में आ जाएगा पी माइनस 16 मल्टीप्लाई पी माइनस 2। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स शूट टू नेक्स्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारे ई पार्ट है, सो ई पार्ट में आर की पावर 2 प्लस 5R प्लस 4 है। सो हम 5R को स्प्लिट कर देंगे, आर की पावर 2 वहीं पर ही रहेगा एंड 4R एक तो 4R हो जाएगा एंड एक हो जाएगा 1R एंड उसके बाद एक हो जाएगा 4। देखो R को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो R होगा हमारा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर है R R की पावर 2 आ जाएगा प्लस 4 कर देंगे हम क्योंकि 4R आना चाहिए यहाँ पर एंड उसके बाद अब हम उसको प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई R 1R हो जाएगा एंड 4 के साथ ही करेंगे ऑफकोर्स एंड हमारा आंसर आ जाएगा R प्लस 4 मल्टीप्लाई आर प्लस 1। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा फिफ्थ एफ पार्ट है, सो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। सो देखो m की पावर 2 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, अब इसको हम कर देंगे स्प्लिट, जो कि 20m माइनस 1m, इसको आगे वाला स्प्लिट करेंगे एंड माइनस हम इसको कर देंगे 20 के साथ। सो अब देखो आगे हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई m की पावर 2 प्लस 20 के साथ कर देंगे 20m आ जाएगा, माइनस हम कर देंगे 1 मल्टीप्लाई m प्लस 20, मतलब कि हमारा आखिर में जो आंसर आएगा वो होगा m की पावर 20 मल्टीप्लाई m माइनस 1। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।